एमपी के कबड्डी लीग की ऑफिशियल लॉन्चिंग हो चुकी है। डीजाना ग्रुप के नेतृत्व में होने वाले कबड्डी के इस बड़े आयोजन में 8 टीमें हिस्सा लेंगी। इस दौरान ग्लैमर का तड़का भी देखने को मिलेगा। डीजाना ग्रुप के डायरेक्टर तेजिंदर सिंह ने कबड्डी लीग को लेकर जानकारी दी। मध्य प्रदेश में होने जा रहे पहले मध्य प्रदेश कबड्डी लीग की शुरुआत इंदौर में होने जा रही है। यह आयोजन की शुरुआत डीजाना ग्रुप इंदौर का कर रहा है। हमारे साथ सीधे जुड़े हैं तेज प्रताप सिंह जी। तेज प्रताप सिंह जी, मुझे ये बताइए कि इस आयोजन में जो कबड्डी है, यह कबड्डी जो खेल है, यह पारंपरिक गेम हुआ करता था पहले, और अब यह लीग के रूप में परिवर्तित हो गया है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम तेजेंद्र सिंह है। हम लोगों ने एक्चुअली, जैसा अभी आप लोगों ने सब अंदर देखा भी, हम लोगों ने 8 जून में टीमें बनाई हैं, और ये पहले मिट्टी में खेले जाने वाला खेल हुआ करता था, लेकिन आधुनिकता की तरफ बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे आपने देखा है कि हर एक चीज़ जो है वो एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में, और इवन जैसे हमारी कुश्ती थी वो भी मिट्टी में पहले हुआ करती थी, आजकल वो भी मैट पे होने लगी है। उसी तरीके से ये जो कबड्डी है, जो मिट्टी का खेल कहा जाता था, समय के साथ साथ बदलते बदलते परिवर्तन की वजह से ये भी अब मैट के ऊपर होने लगा है, और उसी स्टैंडर्ड्स पे, क्योंकि इंटरनेशनली भी ये जो कबड्डी खेला जाता है वो मैट पे ही खेला जाता है अब, तो इसी वजह से हमने ये जितना भी लीग है वो पूरा मैट पे ही किया है, कि ताकि ये मैट के ऊपर खिलाड़ियों को खेलने का पूरा एक्सपीरियंस भी हो और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे मैच कर सकें। क्या एक्साइटमेंट नया लेके आ रहे हैं आप जनता के लिए इंदौर की? देखिए, इंदौर की जनता के लिए सबसे बड़ा एक्साइटमेंट तो यही है कि कबड्डी लीग है, कबड्डी 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 है, और इसके साथ साथ में हमने जो मध्य प्रदेश की जनता के लिए और इंदौर के लिए हमने किया है, कि इसके साथ साथ हमने एक एंटरटेनमेंट का मिक्स किया है, ताकि किसी को ये नहीं लगे कि अरे यार कबड्डी, थोड़ी देर कबड्डी देखें और थोड़ी देर इंटरटेन हो, फिर थोड़ी देर कबड्डी देखें, ताकि उनको बोरियत महसूस ना हो। जो इंटरटेनमेंट वाले हैं वो भी कबड्डी देखने आएंगे तो डेफिनेटली मोटिवेट होंगे। अमिताभ बच्चन जी जो है हमारे, वह कबड्डी लीग से पहले जुड़े हुए थे, इस बार आप ग्लैमर वर्ल्ड से कौन कौन लेके आ रहे कबड्डी लीग के लिए? देखिए, अमिताभ बच्चन साहब तो वाकई में वो हमारे लीजेंड हैं फिल्म इंडस्ट्री के, और उन्होंने जब से कबड्डी में उन्होंने थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया, उसके बाद से आप देखें कि कबड्डी को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला है, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिला है। उसी कड़ी में ही हम लोगों ने यहाँ करने की कोशिश की, और इसमें जो अभी 7 तारीख को जो है सलीम सुलेमान ट्रूप हैं वो परफॉर्म करने आ रहे हैं, 9 तारीख को मिस्टर हार्डी संधू आ रहे हैं, 12 तारीख को मिस्टर अंकित तिवारी आ रहे हैं परफॉर्म करने के लिए, इसके साथ साथ शक्ति कपूर साहब, गुलशन ग्रोवर, मिल्खा सिंह जी, और भी बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स हैं जो इसमें रोज आएँ ग्लैमर वर्ल्ड से हैं, ताकि ये जो अभी जो परंपरागत से उठ के मैट पे आया है तो मैट के साथ साथ में उसमें ग्लैमर का एक तड़का लग जाए, तो वही हमने कोशिश की है करने की। धन्यवाद सर। वाकई में मध्य प्रदेश में कबड्डी के साथ साथ अब ग्लैमर का तड़का भी जुड़ गया है। देखना यह है कि यह एक्साइटमेंट का लेवल कहां तक जाता है और हमारी इंदौरियों को कितना भाता है। कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ प्राजक्ता अंकलीगर, एमपी न्यूज़ इंदौर।